गुड मॉर्निंग क्लास टू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। सो क्लास टू, आज हम क्या करेंगे? आज हम जो हमारा पार्ट है, अब हम दोस्त है, उसका नोटबुक वर्क करेंगे, ठीक है? शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग। लास्ट क्लास में हमने जो इसका बुक वर्क था वो कंप्लीट कर लिया था, और हमारी जो नोटबुक थी उसमें मैम ने सिर्फ आपको नए शब्द उतना ही वर्क करवाया था, हमने शब्दार्थ नहीं किए थे, ठीक है? सो आज हम शब्दार्थ करेंगे। तो सबसे पहले अपने हिंदी लिटरेचर की नोटबुक निकालो और उस पर हम डेट लगाएंगे। आज क्या डेट है? 18 अक्टूबर। सो 18.10.21, ठीक है? कक्षा कार्य लिखोगे। और आज डे क्या है, कौन सा दिन है? सोमवार, ठीक है? फिर आप लिखोगे शब्दार्थ। फिर नंबर वन पे हमने लिखा है गुपचुप, ग पे छोटा उ, प च उ प, गुपचुप। गुपचुप यानी बिना बोले, यानी बिना बताए। जब हम किसी को बिना बताए कोई काम करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं? गुपचुप, ठीक है? फिर नंबर टू पे है मित्र, मित्र यानी दोस्त। नंबर थ्री पे क्या लिखा हुआ है? खतरा, खतरा यानी डर, कॉमा मुसीबत, ठीक है? फिर नंबर फोर पे है जहरीले, जो जहर से भरे हो। फिर नंबर फाइव पे है कोमल, कोमल यानी नाजुक, कॉमा नरम, ठीक है? दोनों हो सकते हैं, ठीक है? मैम आपको दोनों लिखवा रही है तो आपको भी दोनों लिखने हैं। उसके बाद आपको करना है वाक्य प्रयोग। ये रहा हमारा वाक्य प्रयोग, ठीक है? आपको उसी के नीचे लाइन बना के उसी पेज के नीचे करना है, ठीक है? तो वाक्य प्रयोग में आप क्या करोगे? नंबर क पे मैम ने लिखा है झील, मुझे झील बहुत पसंद है। आप चाहो तो कोई और सेंटेंस भी बना सकते हो, यानी आप कुछ और वाक्य भी बना सकते हो, बट उसमें झील का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है? फिर ख पे है दोस्त, मेरे दोस्त का नाम मयंक है। आप चाहो तो यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिख देना, और वरना जो मैम ने बनाया है तो वो भी बना सकते हो, ठीक है? सो और अगर आपको दोस्त पे कुछ और भी लिखना है तो आप कुछ और भी सोच के लिख सकते हो, ठीक है? सो क्लास टू, यही आज का वर्क था। मैम अभी इतना ही करवाएगी, अब इसमें प्रश्न उत्तर रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? मैं आराम से बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ, ताकि आप लोग जब लिखो ना तो आप बोल बोल के लिखना, ताकि आप हिंदी में एकदम अच्छे से बुक पढ़ पाओ, ठीक है? वैसे तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते, मात्रा में कन्फ्यूज़न होता है ना, इसलिए आप धीरे धीरे अच्छे से समझ के लिखोगे, ठीक है? थैंक यू।